शिमला जिला पुलिस ने नशा व आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए कमर कस ली है। इसे प्रभावी बनाने के लिए पुलिस ने जिला उपमंडल व थाना स्तर पर टीमों का गठन कर बराबर नजर रखी जा रही है। एसपी शिमला मोहित चावला का कहना है कि पुलिस का नशे के खिलाफ इरादे मजबूत और पक्के हैं। लोगों को भी इसमें सहयोग के लिए जोड़ा जा रहा है ताकि ऐसी गतिविधियों के बारे लोगों से सटीक सूचनाएं मिल सकें। मोहित चावला ने रामपुर के आसपास के मंदिरों की सुरक्षा का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को बताया कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन जीरो टॉलरेंस का नारा दिया गया है। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया है जिसका नाम है जागृति। दूरदराज इलाके की आखिरी महिला तक उनके कानूनी अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने का पुलिस प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि आपराधिक गतिविधियों और नशे के खिलाफ पैनी नजर रखने के लिए विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। डीएसपी रामपुर अभिमन्यु वर्मा ने भी रामपुर उपमंडल में पुलिस द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रयासों का इस दौरान ब्यौरा दिया। एसपी शिमला मोहित चावला ने बताया कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन जीरो टॉलरेंस का नारा दिया गया है। शिमला में महिलाओं को जागरूक करने का अभियान शुरू किया है जिसका नाम जागृति दिया है। इसके माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। दूरदराज में रहने वाली आखिरी महिला तक उनके कानूनी अधिकार व सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। नशे के खिलाफ पुलिस सख्त मजबूत और पक्के इरादों के साथ आगे बढ़ रही है। इसमें पुलिस मजबूती से काम कर रही है। जिला उपमंडल व थाना स्तर पर टीमों का गठन किया गया है। व्यूअर्स देख रहे हैं, उनको पता है कि हमने इसमें बहुत स्ट्रेंथन होकर काम किया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक स्पेशल टीम्स काम कर रही हैं, सब डिविजन लेवल पे टीम्स काम कर रही हैं और थाना क्षेत्र में भी। हम नहीं इसको टॉलरेट करेंगे। बहुत अच्छा है, जैसे पिछले हाल फिलहाल में हमें थियोक सब डिविजन की बात करें या रोडू सब डिविजन की बात करें, हमें लोगों ने हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमें इनपुट्स दे रहे हैं, हम उस पर भी एक्ट कर रहे हैं। तो कृपया करके आप जो हमारा रामपुर सब डिविजन है, आपके माध्यम से मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे साथ जुड़े, गोपनीय ढंग से इन्फॉर्मेशन दे रहे, जहां आपको लगता है कि नशा चल रहा है या किसी बच्चे को रिहैबिलिटेशन या बच्चे को कोई साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जरूरत है, हम वो भी प्रयास करेंगे, हमारे साथ जुड़िए ताकि हम अपनी युवा पीढ़ी को बचा सकें। तीसरा, अगर हम रामपुर की बात करें, रामपुर के भी कुछ सेंट्रिक इश्यूज हैं, ट्रैफिक व्यवस्था की बात है, बिजनेस व्यापारी भाइयों के कुछ इश्यूज हैं, स्कूल नहीं चल रहा तो बच्चों के भी एजुकेशन के इश्यूज रहते हैं, हमारे किसान भाइयों के इश्यूज हैं, एग्रीकल्चर बेल्ट के इश्यूज हैं, हमारा उसमें भी फोकस है। कोरोना काल में भी सर्विसेज कहीं हैम्पर ना हो, पुलिस उसके लिए वचनबद्ध है और मैं आपको श्योर करता हूं कि निष्ठा से और सत्य निष्ठा से हम इसमें आपको प्रयास करेंगे और आपको अपनी सर्विसेज देते रहेंगे।